केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएसआईआर हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर का दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने विधानसभा सत्र में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और कार्यक्रमों के कारण देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधानसभा सत्र के दौरान हुई घटना को लेकर कहा कि जब कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं होते हैं तो वे ओछी हरकतों पर उतर जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अगर कोई कमियां और आलोचना करनी होती है तो विपक्ष के पास पूरा समय होता है, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में ओछी हरकत कर प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को जल्द समझना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और राज्यपाल से माफी मांगनी चाहिए। वहीं सत्र में भाग लेकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना महामारी का असर हुआ है। जब देश और दुनिया लॉकडाउन में था और किसी को पता नहीं था कि कब तक बीमारी से मुक्ति मिलेगी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कहा कि जान है तो जहान है। पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक अन्न देने का काम किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 29 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए। अर्थव्यवस्था जब पहली तिमाही में -24.4% गिरी और दूसरी तिमाही में -7.7% और तीसरी तिमाही में विकास दर -0.4% रह गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के बाद देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। देखिए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना महामारी का असर हुआ। जब देश और दुनिया लॉकडाउन में थी और किसी को पता नहीं था कब तक इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी, उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा जान है तो जहान है। पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक अन्न देने का काम किया। धन की कमी गरीबों के लिए कहीं पर नहीं रखी और इसके अलावा 29 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए। अर्थव्यवस्था जो पहली तिमाही में -24.4% गिरी, दूसरी तिमाही में थोड़ा सुधार होकर -7.7% पर आई और तीसरी तिमाही में पॉजिटिव विकास दर 0.4% आई। ये वी शेप रिकवरी जो हुई है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति और कार्यक्रमों के कारण देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी को ध्यान से एक बार 2014 में जाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार के समय 12.12% महंगाई थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में 4.5% से कम महंगाई हुई है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।